हमने लास्ट क्लास में ये कर लिया था कि एक पहले तो हमने बनाया था भाई हेलो वर्ल्ड एक्सप्रेस का सर्वर, ठीक है, ये हमने बनाया था हेलो वर्ल्ड एक नॉड जेएस पहले, फिर हमने बोला भाई हेलो वर्ल्ड एक्सप्रेस का सर्वर, ठीक है, ये हमारा हेलो वर्ल्ड का एक्सप्रेस का सर्वर था जो मैंने यहाँ अपनी मशीन में रन किया था, आपने भी उसको कॉल करके देखा, आपको भी जवाब मिल रहा था उस सर्वर से। फिर उसके बाद अगली चीज़ हमने बनाई, इसी सर्वर को जो मैंने अपनी मशीन में रन किया था इसको क्लाउड पर डिप्लॉय किया हमने, ठीक है। क्लाउड पर डिप्लॉय करने के लिए ये एक लाइन हमें चेंज करनी पड़ी थी, फिर क्लाउड पर जब डिप्लॉय किया तो ये आईपी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि अब वो मेरी मशीन में नहीं चल रहा तो ये आईपी ख़त्म हो गई। एक यूआरएल मिल गया था उसकी जगह पर, हमने साइक्लिक पर डिप्लॉय किया था, अगर कोई किसी ने मिस कर दिया वो तो उसकी रिकॉर्डेड वीडियोज़ मौजूद है इसी प्ले लिस्ट में, आप जाके देखेंगे। क्या नाम है जो प्ले लिस्ट है आपकी? बैच ए, बैच टू ए, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं अगर किसी ने मिस कर दिया वो तो, ठीक है। तो आई होप कि आप सब लोगों ने क्लाउड पर डिप्लॉय अच्छी तरह कर लिया है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया कि भाई अब हेलो वर्ल्ड सर्वर तो बन गया, क्लाउड पे भी पहुंच गया, अब इस सर्वर से कुछ एक्चुअल काम लिया जाए जो सर्वर का काम होता है। सर्वर का काम क्या होता है कि किसी भी मोबाइल डिवाइस से या कंप्यूटर डिवाइस से जो एप्लीकेशन चल रही है वो इस सर्वर से बात करें और अपना डेटा वगैरह सर्वर पर स्टोर करें द्वारा। तो हमने फिर ये किया कि हमने छोटी सी ना टू डू की ऐप बनाई। हमने कितनी APIs बनाई? एक API, दो API, ये दो API हमने बनाई। एक से क्या होता था, टू डू की एक ऐप थी, हम कुछ भी लिख के एंटर करते थे वो सर्वर पे जाके सेव हो जाता था। अच्छा, उसके बाद हम गेट की API कॉल करते थे तो वो सारा का सारा टू डू हमें वापस मिल जाता था। लेकिन ये काम हमने किससे किया था? वेरिएबल के ज़रिए किया था। सर्वर के ऊपर वेरिएबल में कभी भी डेटा स्टोर नहीं किया जाता है, दिस इज़ नॉट रेकमेंडेड। ये मैंने इस वजह से किया था कि डेटाबेस तो हमने ज़ाहिर है पढ़ा नहीं था, वो आज हम पढ़ेंगे डेटाबेस। तो ये वेरिएबल के साथ आप कभी भी नहीं करते। अच्छा, वेरिएबल के साथ करने का नुकसान क्या है? पहली बात तो ये REST API के रूल्स के ख़िलाफ़ है। REST API के 5 प्रिंसिपल्स हैं जो जिसमें ये उसके ख़िलाफ़ वर्जी है अगर आप वेरिएबल बना देते हैं ऐसे तो, ठीक है। अच्छा, उसके डाउन साइड्स भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। पहले इस ऐप को ज़रा हम चला के देख लेते हैं कि ये क्या चलती कैसे थी। मैं अभी फ़िलहाल लोकल ही सर्वर को रन कर लेता हूँ, cd डॉट डॉट, और मैंने कहा cd4, ये मैं सर्वर के फोल्डर में चला गया, मैंने कहा npm start, तो इससे मेरा सर्वर रन हो गया, ठीक है। और इससे मेरा सर्वर रन हो गया और उसके बाद मैंने क्या किया, जो मेरा फ्रंट एंड था उसको तो मैं डबल क्लिक करके मैं ऐसे कॉपी पास्ट करके ओपन कर लूँगा। तो एक ही फोल्डर है जिसमें मेरा सर्वर भी मौजूद है, जिसमें मेरा index.html भी मौजूद है, ठीक है। ये मैंने अपना index.html ओपन कर लिया। तो ये कुछ ऐप थी हमारी जो टू डू की ऐप हम बना रहे थे। इसको थोड़ा एक दफ़ा हम चला के देख लेते हैं ताकि रिविज़न हो जाए, सेम पेज पर आ जाए सब लोग कि हाँ भाई क्या चल रहा था। अच्छा, तो मैं चला जाता हूँ कॉन्सोल पे और हम क्या करते थे, कुछ भी इसमें बात लिख के और ऐड का बटन दबाते थे तो वो सर्वर पे एक रिक्वेस्ट हिट होती थी जो कि हम यहाँ नेटवर्क से उसको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जब मैं ऐड का बटन दबाता हूँ तो ये टू डू पे क्या जाती है, पोस्ट की रिक्वेस्ट जाती है, ठीक है। अच्छा, पोस्ट की जब भी रिक्वेस्ट करते हैं ना गूगल क्रोम से, तो दो रिक्वेस्ट निकलती है, एक निकलती है ऑप्शंस की, वो जाके चेक करता है सर्वर पे कि क्या ये सर्वर अलाउ करता है आपको पोस्ट की रिक्वेस्ट करना, ठीक है। तो वो कॉर्स करके हमने जो लाइब्रेरी इस्तेमाल की है वो इसको हैंडल कर रही होती है। अगर हम वो लाइब्रेरी नहीं यूज़ करते तो हमें खुद हैंडल करना होता है कि ऑप्शन की रिक्वेस्ट आती है तो भाई गूगल क्रोम को बताते हैं कि अच्छा भाई इस सर्वर पे ये काम हो सकता है, तो मतलब सर्वर से पूछता है वो कि हाँ भाई पोस्ट कर दूँ मैं, सर्वर बोलता है हाँ कर दो, तो फिर करता है पोस्ट। और अगली रिक्वेस्ट ये पोस्ट की है, पोस्ट की रिक्वेस्ट में जो पेलोड है, पेलोड का मतलब क्या होता है कि इसमें बॉडी में क्या रख के भेजा जा रहा है, तो ये रख के भेजा है मैंने बॉडी में। रिस्पांस जो उसका आएगा ना, वो प्रीव्यू और रिस्पांस, ये दो, प्रीव्यू में क्या होता है थोड़ा रिस्पांस को ना अच्छा करके दिखा रहा होता है और रिस्पांस में क्या होता है उसको प्लेन टेक्स्ट की तरह दिखा रहा होता है, ठीक है। तो ये प्रीव्यू और रिस्पांस, ये दोनों वो रिस्पांस है जो सर्वर से मुझे वापस यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा, उसके अलावा हमने क्या किया था, एक हमने टाइमर लगा दिया था, हर 5 सेकंड या 2 सेकंड के बाद ना ऑटोमेटिकली वो गेट की रिक्वेस्ट कॉल कर रहा होता है सर्वर से, ठीक है। इस अप्रोच को हम कहते हैं पोलिंग, ये भी नॉट रिकमेंडेड है, सही है, ये हमने अभी फिलहाल किया है लेकिन ये भी रिकमेंडेड नहीं है कि आप इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट सर्वर पे करें। इसका डाउन साइड क्या होता है? इसका डाउन साइड ये होता है कि सर्वर एक सेंट्रल लोकेशन होता है,
जिसको बहुत सारे लोग एक्सेस कर रहे होते हैं, सही है, सिर्फ आप उसको एक्सेस नहीं करेंगे बल्कि उसको बहुत सारे लोग एक्सेस कर रहे होंगे। अभी तो हमने क्लाउड पर डिप्लॉय किया ना, सिर्फ हम ही उसको कॉल कर रहे हैं, कल को जाहिर है जो भी ऐप आप बना रहे हैं उसकी मार्केटिंग होगी, लाखों लोग उसको इस्तेमाल करेंगे बैक वक्त, तो जब उस पर लाखों रिक्वेस्टें उस पर पहुँच रही होंगी, तो अगर उस पर एक वेरिएबल भी बना हुआ है ना या एक बिट इस्तेमाल हो रहा है अगर, तो 1,00,000 लोग जब इस्तेमाल करेंगे तो 1,00,000 बिट बन जाता है, ठीक है। तो सर्वर की जो रिसोर्सेज होती हैं वो कंज्यूम होती हैं, जितनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आएगी उतनी ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम होती हैं। अच्छा, अगर फिर 1,00,000 यूज़र अगर ऐसा खोल के बैठ जाए और हर 5 सेकंड पे रिक्वेस्ट लग रही हो, तो हर सेकंड पे 5,00,000 रिक्वेस्ट होगी, तो ट्रैफिक हमारी क्या हो जाएगी, 10x मल्टीप्लाई हो जाएगी या 100x मल्टीप्लाई हो जाएगी, जहाँ पे हमारे पास एक मशीन लगनी थी वहाँ पे अब हमें 20 मशीनें शायद लगानी पड़े। तो दिस इज़ वाई दिस अप्रोच इज़ नॉट रिकमेंडेड कि हम हर थोड़ी देर बाद उसको रिक्वेस्ट मारते रहें। अच्छा, फिर ये रियल टाइम के लिए करते क्या हैं, ये हम बाद में देखेंगे हम क्या करते हैं, ठीक है। रियल टाइम इस कोर्स में शायद हम कवर ना कर पाएँ क्योंकि वो कोर्स आउटलाइन में तो शामिल नहीं है, लेकिन रियल टाइम मेरी कोशिश होगी। socket.io करके एक चीज़ होती है, एक सॉकेट कनेक्शंस कहते हैं उसको, उसके ज़रिए रियल टाइम किया जाता है, वो बेस्ट अप्रोच है। उसमें ये बार बार ना रिक्वेस्ट नहीं कर रहा होता, वो एक ही लाइव कनेक्शन होता है, तो वो मेरी कोशिश होगी थोड़ा सा हम कवर कर पाए शायद उसको उसमें। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो हम सर्वर रन करते हैं ना, ये हम सर्वर रन करते हैं कैसे, npm start लिख के ऐसे रन कर देते हैं। इससे प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी मैं सर्वर में कोई चेंजेस करता हूँ ना, लोकली चल रहा है मेरा सर्वर अभी, तो मुझे सर्वर को रोक के दोबारा चलाना पड़ता है, ठीक है। ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो इसके लिए ना मेरे पास एक टूल है जिस दैट इज़ कॉल्ड नॉट मॉन, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड नॉट मॉन। अच्छा, तो पहले मेरी ऐप कैसे रन होती थी, नॉट स्पेस और मेरी फाइल का नाम ऐसे ही होता था ना, और वो मैंने जाके वहाँ पे लिखा पता यहाँ कि भाई जब भी मैं npm स्टार्ट करूँ ना तो क्या चला दो आप, नॉट स्पेस server.mjs, ये चला दो। अब यहाँ पे ना मैं लिखूँगा नॉट मॉन, सही है, नॉट मॉन लिखूँगा मैं यहाँ पे। अच्छा, लेकिन नॉट मॉन में npm स्टार्ट में नहीं लिखूँगा क्योंकि नॉट मॉन क्लाउड एनवायरनमेंट में अलाउ नहीं होता, क्योंकि क्लाउड एनवायरनमेंट में तो आपने पुश कर दिया ना, वहाँ कौन चेंजेस कर रहा है, वहाँ थोड़ी डेवलपमेंट चल रही है, वहाँ तो एक बार चल गया तो चल गया, चल रहा है, ठीक है। तो क्लाउड में ये एरर दे देता है नॉट मॉन, तो हम क्या करेंगे कि और स्क्रिप्ट लिखेंगे, स्क्रिप्ट लिखेंगे हम dev, या कोई भी नाम से आप स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसमें मैं लिखूंगा नॉट मॉन स्पेस सर्वर डॉट एम जे एस, जो भी फाइल है। अच्छा, नॉट मॉन क्या होगा, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये पहले से इंस्टॉल नहीं होता है आपके पास, आप लिखेंगे नॉट मॉन और साथ में लिखेंगे npm, तो ये भी npm का एक टूल है। जैसे आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में प्ले स्टोर से ऐप्स डाउनलोड करते हैं ना, तो नॉट जे एस की जितनी भी लाइब्रेरी वो सब यहाँ से डाउनलोड होती है, ठीक है। ये वाई आर सा लोगो है इसका नॉट मॉन का, और ये इसकी कमांड है इंस्टॉल करने की, ठीक है। तो इसको मैं, मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, लेकिन जस्ट मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये कॉपी हो जाएगी कमांड, तो मैं एक दफ़ा और आके मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, ताकि अगर मेरे पास कोई पुराना वर्जन है तो वो। अच्छा, -g भी इसके साथ लगाते हैं ना, -g लगाना शायद अब ऑप्शनल हो गया है, npm i नॉट मॉन, और साथ में ना मैं -g भी लगा देता हूँ एहतियातन। वैसे -g लगाना भी अब ऑप्शनल हो गया है, कुछ लाइब्रेरीज होती है ना जो वो अंदर ही लिखा हुआ होता है, उसके लिए ग्लोबल है। ग्लोबल का मतलब ये होता है कि वो पूरे मशीन में इंस्टॉल होती है एक साथ, आपके फोल्डर में इंस्टॉल नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इंस्टॉलेशन पे इन्होंने भी ना यहाँ पे बताया हुआ है कि भाई -g करके करो, ठीक है। तो -g लगाना वैसे बाय द वे ऑप्शनल हो गया, लेकिन फिर भी मैं -g लगा के इंस्टॉल करता हूँ। ये क्या सीन है, नहीं वो असल में -g जब मैं लिखता हूँ ना तो फिर मुझे sudo लगाना पड़ता है, ठीक है। ये लिनक्स में और मैक में आपको करना पड़ेगा, विंडोज़ में ये इशू नहीं होता, विंडोज़ में पहले से ही sudo लगा हुआ होता है हर चीज़ में ना, ठीक है। तो मैंने उसको एक दफ़ा और इंस्टॉल कर लिया क्योंकि मेरे पास शायद मे भी पुराना वर्जन हो तो अपडेट हो जाए। अच्छा, अब मैं इसको चलाऊंगा कैसे, पहले मैं npm स्टार्ट लिखता था, अब मैं क्या लिखूंगा, npm रन dev लिखूंगा अब मैं, सही है, उससे ये dev की कमांड चलेगी। अच्छा, अभी हमारे पास ये दो कमांड है ना, हमारे पास इसके अलावा 3-4 कमांड और भी होगी आने वाले नियर फ्यूचर, हमारे पास 3-4 कमांड और भी होगी। तो ये स्टैंडर्ड है कि भाई npm स्टार्ट में कौन सी कमांड लिखी हुई होगी, जो ऐप को रन करने की कमांड है वो लिखी हुई होगी। मैं ये हाथ से टर्मिनल पे डायरेक्ट लिखूंगा तो भी चलेगा, देखो लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा नॉट मॉन स्पेस सर्वर डॉट mjs, ये चल गया,
ठीक है, ऐसे भी चले गई, लेकिन ऐसे मुझे नहीं चलाना है, दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड, तो मैं इसको रोकूंगा। और अब मैं क्या लिखूंगा, npm run dev। अच्छा, सिर्फ स्टार्ट में डायरेक्ट लिख देते हैं आप npm start, लेकिन स्टार्ट के अलावा जितनी भी आप स्क्रिप्ट लिखेंगे उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, npm run और फिर उस स्क्रिप्ट का नाम, तो npm run dev, इससे भी वही सेम काम होगा। ठीक है, एक तो इससे स्क्रिप्ट, लंबी लंबी स्क्रिप्ट आपको याद नहीं रखनी पड़ेगी, अभी तो ये दो लाइन की स्क्रिप्ट है ना, क्या नॉर्डमॉन सर्वर डॉट, आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब इससे क्या होगा, मैं वापस सर्वर की अगर फाइल में जाऊँ तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी चीज़ चेंज करता हूँ, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने एक सेमी कॉलन ऐड किया और मैं कंट्रोल एस प्रेस करूँगा, तो देखो ऑटोमेटिक नीचे ये रीस्टार्ट हो गया सर्वर मेरा। ठीक है, इस टूल का काम जस्ट ये फाइल को देखता रहता है, कोई भी चेंज होता है सर्वर को खुद से रोक के दोबारा चला देता है। ऐसा नहीं है कि सर्वर इसमें रुक नहीं रहा, सर्वर रोक रहा है और दोबारा से रन कर रहा है, ये काम खुद कर रहा है, हमें नहीं करना पड़ रहा, ऑटोमेट हो गया ये काम हमारा। ठीक है, तो एक हमने ये चीज़ देख ली कि भाई नॉट मॉन्ट से रन होगा। अच्छा, और हमने क्या चीज़ देखनी है, डेटाबेस को शुरू करने से पहले हम ये जो वेरिएबल में क्यों नहीं करवाना सेव, वाई दिस अप्रोच इज़ नॉट रेकमेंडेड, इस पर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें REST API के जो प्रिंसिपल्स हैं, REST API प्रिंसिपल्स, ये हम देख लेते हैं ज़रा। REST API के ना पांच प्रिंसिपल्स हैं, सही है। नंबर एक, अच्छा यहाँ पे इन्होंने 6 लिखा हुआ है, लेकिन वैसे तो मैंने 5 देखा है, हो सकता है कोई और भी ऐड हुआ हो अपने यहाँ, या कोई ऐसा अनइम्पॉर्टेंट शायद छटा है वो। वेल, तो ये मैंने जस्ट लिखा है कि यार REST API प्रिंसिपल्स लिखा है, तो पहला लिंक ही आ गया है, कोई ट्यूटोरियल है ये, तो इसमें से हम देख लेते हैं। ये आपको सब जगह मिल जाएगा, ये बहुत कॉमन बात है, ये जो पाँच प्रिंसिपल्स है ना REST API के, दिस इज़ वेरी वेरी कॉमन, तो ये आपको हर जगह मिल जाएगा गूगल में। अच्छा, नंबर एक, यूनिफॉर्म इंटरफेस। यूनिफॉर्म इंटरफेस का क्या मतलब है, अब ये तो इसने लंबी यहाँ पे चौड़ी दास्तान लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको वैसे अलग से बता देता हूँ कि यूनिफॉर्म इंटरफेस, व्हाट डज इट मीन बाय यूनिफॉर्म इंटरफेस। अच्छा, मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे, बल्कि नया फोल्डर नहीं, इसी में ही कर लेता हूँ, यहीं पर ना, यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि क्या चक्कर है ये। अच्छा, आप एक API बनाएंगे क्या करने के लिए, टू डू को ऐड करने के लिए, तो आप उसका URL क्या रखेंगे, आप स्लैश, एक तो होगी वो टू डू ऐड करने के लिए, तो पोस्ट होगा, रिक्वेस्ट पोस्ट की होगी, और URL क्या होगा, स्लैश ऐड टू डू, ये रखेंगे आप, क्या रखेंगे आप बताएं, सिर्फ टू डू भी रख सकते हैं, चलो सिर्फ टू डू रख देते हैं, सही है। अच्छा, फिर एक बनाएंगे आप गेट करने के लिए, तो वो जाहिर है गेट की रिक्वेस्ट होगी, हम जानते हैं पहले से, और क्या होगा उसका URL, हैं, टू डूज होगा। अच्छा, और अब एक बनाएंगे आप उसको एडिट करने के लिए, उसमें रिक्वेस्ट कौन सी होगी, रिक्वेस्ट बोलो ना, डिलीट, तो डिलीट करने के लिए ना, मॉडिफाई करने के लिए पूछ रहा हूँ, गेट, अच्छा पुट, सही है, ये हम पहले देख चुके हैं कि अच्छा यार पुट जो होता है वो एडिट करने के लिए होता है, तो ये भी सही है। इसका URL क्या रखूंगा मैं, यार ये फैन शोर कर रहा है, फैन बंद कर देता हूँ यार, शोर कर रहा है काफी फैन ना, ठीक है, हाँ वो असल में फैन से ना पीछे दब जाता है सारे, वो अभी फैन बंद हुआ ना तो आगे आएगी वो, ऐसे हाथ ऊपर करो, फील हुआ अलग अलग। अच्छा, 5 मिनट में हम देखते हैं, अगर ज़रूरत हुई तो दोबारा फ़ैन को ऑन कर देंगे, ठीक है। अच्छा, तो बताओ, हाँ क्या बोल रहे थे यार, पुट हो गया, रिक्वेस्ट का जो मेथड था वो पुट हो गया, और URL क्या होगा, एड्रेस क्या होगा, हाँ अपडेट टू डू, सही है, सब लोग एग्री है इससे, अपडेट टू डू। अब मुझे इसको डिलीट करने के लिए भी एक बनाना है, इसका URL क्या रखूंगा मैं, रिमूव टू डू, ये रखूंगा, सब लोग एग्री कर रहे हैं इससे, ये कोई डिसएग्री है एक बंदा नहीं, क्यों, नाम देखो रेलेवेंट होना चाहिए ना, तो क्या ये नाम रेलेवेंट है,
अच्छा यूनिफॉर्म इंटरफेस बोलता है, जो यूनिफॉर्म इंटरफेस का जो प्रिंसिपल है REST API का, वो बोलता है कि भाई ये सब के नाम सेम होंगे, इसका भी नाम टू डू होगा, इसका भी नाम टू डू होगा, सही है। ये चीज़ अलाउ है कि आप एक ही URL पे पोस्ट, गेट, पुट और डिलीट ये भेज सकते हैं आप एक ही URL पे। अच्छा एक गेट होगा तमाम टू डू गेट करने का, उसमें एस लगा हुआ होगा, सही है। एक और भी गेट होगा ना, सिंगल टू डू भी तो गेट कर सकता हूँ मैं, मुझे अगर सिंगल टू डू एक गेट करना है तो फिर मैं उसको रखूँगा टू डू, फिर मैं एस नहीं लगाऊंगा उस पर, एस का मतलब है तमाम टू डू आ रहे हैं, सही है। और साथ में मैं इसको क्या दूंगा, स्लैश इसकी आईडी दूंगा, जो भी टू डू की आईडी, जाहिर है जब सिंगल को गेट करूंगा तो कोई आइडेंटिफिकेशन दूंगा कि भाई फला टू डू लाओ, या तो उसका कोई यूनिक आईडी होगी, कोई ऐसी चीज़ होगी, कोई सर्च का टर्म होगा, कुछ ना कुछ दूंगा मैं साथ में। ये नहीं कर सकता कि स्लैश टू डू लिख दूँ और कुछ बताऊँ नहीं साथ में कि लाना कौन सा, एक तो सारा लाना है तो फिर तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तो ये ज़रूरी है। अच्छा इसी तरीके से जब मैं पोस्ट करूँगा तो पोस्ट में भी मुझे जाहिर है वो जो नया एक न्यू टू डू है तो उसकी मुझे आईडी मैं तो नहीं बताऊँगा, वो तो डेटाबेस खुद ही क्रिएट कर लेगा एक यूनिक आईडी, बता भी सकता हूँ नहीं भी बता सकता, नहीं बताना ज़्यादा बेहतर है। अच्छा अब पुट कर रहा हूँ जब मैं, इसका मतलब है मॉडिफाई कर रहा हूँ किसी टू डू को, कौन से टू डू को मॉडिफाई कर रहा हूँ बताना पड़ेगा वो, ठीक है। तो साथ में मैं इसकी आईडी दूंगा, किसको मॉडिफाई कर रहा हूँ आईडी, और फिर डिलीट में भी एक को डिलीट कर रहा हूँ तो मुझे आईडी देनी होगी। अच्छा इसी तरह तमाम को डिलीट भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो टू डूज लगाऊंगा मैं, ठीक है, तमाम को डिलीट कर रहा हूँ मैं। अच्छा ये जो एस वाला है ना, इसके अंदर दोनों चीज़ें हो सकती हैं कि भाई सारे का सारा डिलीट भी कर सकता हूँ मैं, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, लोग सारे का सारा डिलीट नहीं करते। इसके साथ भी क्या करते हैं, लिस्ट ऑफ आईडी देते हैं, जैसे होता है ना जीमेल में कि भाई सेलेक्ट 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 करके 20-25 सेलेक्ट करते हैं और डिलीट का बटन दबा देते हैं, तो वो भी इसी तरह बनेगा, ठीक है, टू डूज करके, ठीक है। लेकिन फिर फिलहाल इसको जस्ट टू कीप इट सिंपल हम इसको डिस्कस नहीं करते। हमारे पास ये पांच जो राउट्स हैं ना, ये तो मैंडेटरी हैं, इसके बगैर तो काम ही नहीं है, ठीक है, ये पांच हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। छठा भी हो सकता है इसमें, अब मिसाल के तौर पर पोस्ट में भी एक मल्टीपल भी पोस्ट हो सकता है कि भाई एक से ज़्यादा एक साथ पोस्ट हो रहा है, तो उसमें भी पोस्ट में आप ऐसे लगा दोगे साथ में मल्टीपल पूरा एरे दोगे आपके सारे को भर दो ले जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इंटरफेस। आपका जो टू डू होगा ना स्लैश टू डू, उसी पे ही सब लग रहा होगा, नाम चेंज नहीं होगा, ये नहीं कर सकते ऐड टू डू रिमूव टू डू ये सब नहीं, और होगा सारा स्मॉल लेटर, इसमें कैपिटल लेटर भी बीच में आप ऐड नहीं करेंगे, स्मॉल लेटर होगा सारा, क्योंकि कैपिटल स्मॉल जो है वो URL के अंदर वो बाद में मसला कर सकता है कुछ जगहों पर। तो ये हमारा यूनिफॉर्म इंटरफेस हमने पढ़ लिया, इसको हम क्या कहते हैं, सही है। अभी वो बीच में वो वाला भी आ जाएगा जिसका मैं जिक्र कर रहा था ना, ये एक आ गया यूनिफॉर्म इंटरफेस, ये याद रहेगा, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ तो नहीं है, कॉमन सी बात है। अब क्योंकि हम आगे अब जितनी भी API लिखेंगे ना उसमें ये रूल्स हम बाकायदा फॉलो करेंगे, तो मेरा ख्याल है ये हमें ऑटोमेटिकली पता चलता रहेगा। अच्छा अब जो दूसरा हमारे पास है वो क्या है, वो क्लाइंट सर्वर है। ये एक ऐसा रूल है जो हम ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। क्लाइंट सर्वर का मतलब ये होता है कि क्लाइंट एक मुकम्मल अलग एप्लीकेशन होगी, सर्वर एक मुकम्मल अलग एप्लीकेशन होगी, ठीक है। जैसा कि हमने लास्ट टाइम ड्राइंग ऐप में करके देखा था, ड्राइंग ऐप दोबारा से खोल लेता हूँ मैं, कि हमारा जो सर्वर है ना दैट इज़ अ कम्प्लीट एप्लीकेशन। उसको मैं चाहूँ तो HTML JavaScript की ऐप से कॉल करूँ, चाहूँ तो पोस्टमैन से कॉल करूँ, या थंडर क्लाइंट जो हमने लास्ट देखा था उससे कॉल करूँ, तो ये जो मेरा सर्वर है दिस इज़ अ कम्प्लीट एप्लीकेशन, ठीक है। अब इसको मैं क्या कहते हैं अपने वेब एप्लीकेशन से भी कॉल कर सकता हूँ, अपनी मोबाइल एप्लीकेशन से भी मैं इसको कॉल कर सकता हूँ, कोई IoT डिवाइस हो उससे भी कॉल कर सकता हूँ, कोई स्मार्ट TV है उससे भी मैं इसको कॉल कर सकता हूँ। तो ये एक इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन है हमारा जो सर्वर है, और इससे जो कम्युनिकेशन हो रही है वो किसी ना किसी इंटरचेंज लैंग्वेज में ये बात होती है और उसी में जवाब जाता है। REST API के केस में वो JSON है, जो जैसे मेरा वेब एप्लीकेशन या मेरी मोबाइल एप्लीकेशन अगर इसको रिक्वेस्ट करेगी तो ये JSON में डेटा भेजेगी, जैसे पोस्ट करनी है टू डू तो JSON में होगा वो, और ये भी उसको जवाब देगा JSON में, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। अच्छा अब आप सोच रहे होंगे यार इसके अलावा क्या क्या हो सकता है, हमने तो पढ़ा ही है ना डायरेक्ट, हमें तो पता ही नहीं है इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा पॉसिबिलिटी आमतौर पर ये होती है जो PHP में WordPress में होता है और .NET वगैरह में पुरानी लैंग्वेजेस में, कि आपका जो ये फ्रंट एंड होता है ना, फ्रंट एंड पे कोई एप्लीकेशन होती ही नहीं है सिरे से,
फ्रंट एंड होता ही नहीं है सिरे से, सिर्फ सर्वर होता है बस। अब सर्वर पे रिक्वेस्ट आती है, क्या रिक्वेस्ट, स्लैश की रिक्वेस्ट आती है। जैसे आपने लिखा facebook.com, तो ये रिक्वेस्ट कहलाती है स्लैश की, सिर्फ डोमेन है स्लैश के, आगे कुछ नहीं है। facebook.com जब इस सर्वर पे पहुंचता है ना, तो ये क्या करता है, जो भी इसने दिखाना होता है उसका पूरा HTML का पेज सर्वर पे तैयार करता है। उसको कहते हैं टेम्पलेटिंग इंजन, उसके लिए इस्तेमाल होते हैं, उसके जरिए वो पूरा पेज तैयार करता है। और यहाँ से जो रिस्पॉन्स करता है ना, वो पूरा का पूरा HTML का पेज उठा के भेजता है क्लाइंट के ऊपर। और नतीजतन होता क्या है कि वो सिर्फ ब्राउज़र से ही कॉल हो सकती है, वो कहीं और से कॉल ही नहीं हो सकती। अब मोबाइल ऐप से अगर उसको कोई कॉल करता है तो मोबाइल ऐप में भी ब्राउज़र से ही कॉल करेगा, क्योंकि वो भेज रहा है HTML, ठीक है। एंड्रॉयड की ऐप जो होती है, जो नेटिव, उससे इसको कॉल नहीं किया जा सकता अगर ऐसी सिचुएशन है तो। या किसी IoT की डिवाइस से अगर मैं कॉल करता हूँ, वो IoT की माइक्रो कंट्रोलर में 32 बिट तो रैम है, उसके अंदर उसने इतना बड़ा 400 KB का जो है ना वो HTML का पेज उठा के भेज दिया, उसमें पेज में वीडियो भी है, फोटो भी है, तो वो बेचारा माइक्रो कंट्रोलर कहाँ उसको दिखाएगा, ठीक है। तो वो तो बहुत छोटा सा उसमें होता है, वो बैटरी, वो कॉइन सेल उसमें डालते हैं तो 6 महीने चलता है उस कॉइन सेल में, इतने कम पावर की वो डिवाइस है। अब उसको मिसाल के तौर पे एक ट्रेन के अंदर एक वो लगा हुआ है, ठीक है, एक रेलवे का एक है डब्बा है, हर डब्बे के अंदर या इंजन के अंदर वो एक चिप लगी हुई है, जो कॉइन सेल के जरिए उसके डैशबोर्ड में डाला हुआ है, या किसी गाड़ी में रखा हुआ है एज अ ट्रैकर। गाड़ी के ट्रैकर आजकल ये वाले आए हुए हैं कि भाई कॉइन सेल डाला हुआ है डैशबोर्ड में, डाला हुआ है। अब वो क्या करता है, हर 5 मिनट पे या 10 मिनट पे या 1 घंटे पे GPS से लोकेशन उठाता है, उसी के साथ GPS का मॉड्यूल छोटा सा चपका हुआ है, और वो इंटरनेट पे जो एक रिक्वेस्ट भेज देता है, पोस्ट कर देता है, भाई मेरी ये लोकेशन है, ठीक है। और वो गाड़ी के अंदर आमतौर पर वाईफाई आजकल अवेलेबल होता है लोगों के पास, तो वो उसी वाईफाई से जो वो चल रहा है कनेक्ट हो गया। बसेस में भी अब नई वाली जो चल गई है, इसमें भी, ये हमारे लिए तो खैर नई बात है, पूरी दुनिया में बसेस में, ट्रेन में, एरोप्लेन में इंटरनेट बाय डिफ़ॉल्ट, चार्जर वगैरह के भाई फ़ोन चार्ज कर लो आप, सीट के साथ लगा हुआ होता है, ये सब एक डिफ़ॉल्ट है, ये हमारे लिए थोड़ी नई बात है। तो अब वो जो चिप है, वो किसी सर्वर को अगर कॉल करना चाहती है, तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि ये वाला सर्वर हो, जो क्लाइंट इज़ अ कम्प्लीट एप्लीकेशन और सर्वर इज़ अ कम्प्लीट एप्लीकेशन। मिसाल के तौर पे जो मेरी टूडू की ऐप है, अगर मैं इस टूडू की ऐप की बात करूँ, जो अभी मैंने खोली भी थी, कहाँ गई वो, ये दिस इज़ अ कम्प्लीट जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन है फ्रंट एंड। मैं सर्वर का URL चेंज कर दूँ, किसी और सर्वर से बात करने लग जाएगा ये, ठीक है। तो ये दो अलग अलग कम्प्लीट एप्लीकेशन है। तो ये हमारा जो सेकेंड जो था ना कि क्लाइंट सर्वर जो है वो, अब इसको पढ़ भी सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है, सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स है कि अब इस पे क्या कर सकते हैं, दो अलग अलग डेवलपर इस पे बैठ सकते हैं, फ्रंट एंड पे अलग बंदा बैठा हुआ है, बैक एंड पे अलग बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। तो फ्रंट एंड बैक एंड का कॉन्सेप्ट आया ही इसके आने के बाद है, ये वाला जो अप्रोच है। अच्छा, नंबर 3 है स्टेटलेस। स्टेटलेस का मतलब ये है कि भाई आपके जो स्टेट, किस चीज़ को कहते हैं, स्टेट ऑफ माइंड जैसे बोलते हैं, कि करंट स्टेट क्या है। मिसाल के तौर पर आपने किसी बंदे को थप्पड़ मार दिया और आप चले गए, अभी उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, वो गुस्से में, अब वो स्टेट ऑफ माइंड थोड़ी देर तक रहेगा उसके, सही है, वो स्टेट। अब उससे आप कोई सवाल पूछेंगे ना अगर, तो वो अकॉर्डिंग टू द स्टेट आपको जवाब देगा, सही है, अकॉर्डिंग टू द स्टेट आपको जवाब देगा। या आपकी गाड़ी है, बड़ी दूर से आप चला के ला रहे हैं, तो उस गाड़ी का स्टेट क्या है इस वक्त, वो गर्म हो चुकी है, सही है। अब आप उसको कोई इंस्ट्रक्शन देंगे ना, तो अकॉर्डिंग टू द स्टेट आपको जवाब देगी। तो स्टेट ऑफ जो होता है ना, किसी भी चीज़ का जो स्टेट होता है, तो हमारा जो सर्वर है ना, उसके अंदर जो स्टेट है वो वेरिएबल्स हैं उसके। हमारे सर्वर के अंदर अगर कोई ऐसा वेरिएबल बना हुआ है, मिसाल के तौर पे मैं, मेरा एक सर्वर चल रहा है, अब मैंने उस पर रिक्वेस्ट की, मैंने कहा एक टू डू ऐड कर दो, सही है, मैंने कहा एक टू डू ऐड कर दो, तो उस सर्वर में एक वेरिएबल था जो +1 हो गया, या उसमें कोई चीज़ चली गई है, डेटा चला गया। अब उस सर्वर की वो स्टेट है, अगर इस सर्वर को मैं रीस्टार्ट कर दूं, ऑफ करके ऑन कर दूं, तो वो स्टेट क्या हो जाएगी, लूज कर जाऊंगा मैं वो स्टेट, ठीक है। तो ये स्टेट आपने नहीं बनानी। REST API अगर आप बना रहे हैं, REST API को आप रूल फॉलो कर रहे हैं प्रॉपर, तो ये आपको नहीं बनाना। अच्छा, ये सिर्फ रूल की हद तक बात नहीं है, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। मिसाल के तौर पर क्या साइड इफेक्ट है, नंबर 1 साइड इफेक्ट तो ये है कि जैसे साइक्लिक है और हरीको है, इस तरह के जो क्लाउड है ना, ये ओकेजनली आपके सर्वर को बंद कर देते हैं खुद ही, ठीक है, चाहे फ्री वाला हो चाहे पेड हो, ओकेजनली वो किस वक्त रीस्टार्ट करेंगे वो आपको पता नहीं चलता। माइग्रेशन होती है अंदर, बहुत सारी इंटरनल चीज़ें होती हैं।
तो नॉर्ड जेएस का जो सर्वर है, एक्सप्रेस का जो सर्वर है, वो बाय डिफॉल्ट एज्यूम करते हैं कि वो इसको फॉलो कर रहे होंगे जो आप, ठीक है, और वो आपको रिस्टार्ट कर देते हैं आपके सर्वर को, आपको बताते नहीं है। फ्री वाले में तो ये होता है, आप 2-4 मिनट रिक्वेस्ट ना भेजें तो वैसे ही उसको शट डाउन कर देते हैं। फिर आप रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो थोड़ा सा टाइम लगता है, 2-4 मिनट, या पता नहीं 2-4 मिनट तो नहीं, खैर मेरे ख्याल में 15 सेकंड तक लगता है पहली रिक्वेस्ट को, उसके बाद वो अगली रिक्वेस्ट सेट हो जाती है फिर, क्योंकि वो आपका कंटेनर असल में डाउन कर देते हैं, वो फिर उसके बाद दोबारा अप करते हैं जब आप रिक्वेस्ट भेजते हैं। ठीक है, तो नंबर एक तो उसका डाउन साइड हमने ये देखा कि भाई वेरिएबल में आपने अगर बड़ा सारा डेटा स्टोर करवा लिया, अभी 1 लाख यूज़र हैं, वो आप अलग अलग टू डूज ऐड कर रहे हैं अपने पास, तो आपके सर्वर पे वो वेरिएबल बड़ा होता जा रहा है। तो नंबर एक बात तो ये कि वो रीस्टार्ट अगर किसी भी वजह से हो गया ना सर्वर, जो कि हरिकोर साइक्लिक करेगा, ऑफ कोर्स करेगा, उसने लिखा हुआ है अपनी पॉलिसी में कि हम ये करेंगे किसी भी वक्त, आपको नहीं बताएंगे हम, तो आपका वो डेटा गया। नंबर एक मसला ये। नंबर दो मसला ये है कि वो वेरिएबल जो है ना, वो असल में मेमोरी में स्टोर होता है, रैम मेमोरी में जगह लेता है ना वेरिएबल, हमने ये देखा है। साइक्लिक और हरिको दोनों कहते हैं कि भाई 512 MB की रैम है, वो भी शेयर्ड है, वो भी पूरा नहीं मिलेगा आपको। 512 MB की रैम है, वो भी पूरी आपको नहीं मिलेगी, उसमें भी शेयर्ड है, कभी कम भी होगी 512 से। तो वो अगर वेरिएबल आपका इतना बड़ा हो गया कि वेरिएबल 512 MB क्रॉस कर गया, तो वैसे ही आपका सर्वर क्रैश हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि क्योंकि जब नया यूज़र आता है ना, एक नया यूज़र आता है, तो जब रिक्वेस्ट आती है, एक न्यू यूज़र का मतलब है एक रिक्वेस्ट आती है, तो उसके लिए जो फंक्शन इन्वोक होता है ना, जैसे ये जो फंक्शन बना हुआ है, किसी बंदे ने बोला कि गेट ऑल टू डूज़, ये बोला किसी ने, तो ये जो दो पैरामीटर है ना इस फंक्शन के, जाहिर है ये दोनों लोकल वेरिएबल है, ये मेमोरी में जगह लेते हैं, तो एक रिक्वेस्ट जब आती है तो वो एक रिक्वेस्ट ऑलरेडी मेमोरी में जगह ले रही होती है। तो इसका मतलब ये है कि रैम अगर मेरी खाली है ना, तो मैं ज़्यादा रिक्वेस्टें हैंडल कर सकता हूँ। अगर रैम मेरी पहले से भरी हुई है तो मैं ज़्यादा रिक्वेस्ट हैंडल नहीं कर सकता फिर। ठीक है, तो वेरिएबल में डेटा स्टोर करवाने का एक डाउन साइड ये भी हमने देख लिया। नंबर तीन डाउन साइड इसका, नंबर तीन प्रॉब्लम ये है कि ये जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर है ना, अब ये यूज करते हैं ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम। कोई बंदा नहीं पीछे बैठा हुआ कि आप अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे तो वो बंदा किसी सर्वर पे उसको कॉपी करके और उसके उसको फिर अप करेगा, इस तरह का कोई सीन नहीं चल रहा पीछे। वो सब कुछ ऑटोमेटेड है और कोई ना कोई ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम लगा हुआ है। ऑर्केस्ट्रेशन किस चीज़ को कहते हैं पता है? अंग्रेजी में ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? करो गूगल करो, ऑर्केस्ट्रेशन किस चीज़ को कहते हैं अंग्रेजी में? मैं भी करता हूँ, पता नहीं स्पेलिंग भी बड़ी मुश्किल सी है। ऑर्केस्ट्रेशन लिखा मैंने यहाँ पे, अच्छा ये तो इसने साइंटिफिक डेफिनेशन बता दी। अबे नहीं भाई, ऑर्केस्ट्रेशन की ना एक तो साइंटिफिक है, यही स्पेलिंग लिखी है ना, मिलावट कहाँ से आ गया? द अरेंजमेंट ऑफ और स्कोरिंग ऑफ म्यूजिक फॉर ऑर्केस्ट्रल परफॉर्मेंस, द प्लानिंग ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एंड एलिमेंटिंग सिचुएशन प्रोसीजर डिजायर इफेक्ट स्पेशली। वो तुम लोगों ने देखा है बहुत सारे जो स्कूल के टैबलो वगैरह में अक्सर देखते हो, बहुत सारे बच्चे हैं ना, वो कोई डांस के स्टेप्स कर रहे हैं, कोई टैबलो कर रहे हैं, तो एक टीचर खड़ा होता है स्टेज के आगे, वो उसको यूं यूं करके ना इशारे कर रहा होता है, बता रहा होता है, या वो म्यूजिक वाला ना दो छड़ी हाथ में पकड़ी हुई ऐसे यूं यूं कर रहा होता है म्यूजिक वाला, दैट इज कॉल्ड ऑर्केस्ट्रेशन। सही है, तो ये कुछ उस तरह की बात हो रही है, देख रहे हो। द इसने लिखा है कि द अरेंजमेंट और स्कोरिंग ऑफ म्यूजिक फॉर ऑर्केस्ट्रल परफॉर्मेंस। अब ये ऑर्केस्ट्रल परफॉर्मेंस लिखोगे ना तो वो कुछ उसी तरह की चीज आ जाएगी कि वो ना मिल के सब लोग काम कर रहे हैं, ये देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड ऑर्केस्ट्रल परफॉर्मेंस। देख रहे हो ये कितने सारे लोग बैठे हुए हैं और एक ही उनको गाइड कर रहा है और ये सारे इतने सारे लोग बजा रहे हैं कुछ, ठीक है, ये ऑर्केस्ट्रल परफॉर्मेंस कहते हैं इसको, कि जिसमें सब लोग मिल के कुछ ना कुछ कर रहे हो, कुछ बजा रहे हो, जैसे कोक स्टूडियो वगैरह, तो दिस इज कॉल्ड ऑर्केस्ट्रल परफॉर्मेंस। तो ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम जो होता है ना कंप्यूटिंग के अंदर, वो इसी से इंस्पायर होकर इन्होंने नाम रखा है। तो उसमें असल में होता ही है कि आपके पास ना एक होता है कंप्यूटर, उसके अंदर इंस्टॉल होता है एक सॉफ्टवेयर,
ठीक है। अच्छा, अभी जो सबसे फेमस ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम है दैट इज कॉल्ड कुबरनेटीज, सही है, दैट इज द मोस्ट फेमस ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम। गूगल ने बनाया था अपने लिए, बाद में पब्लिक कर दिया, अभी सब लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, हरी को वरी को सब। अच्छा, अगर वो नहीं कर रहे तो कोई उसी जैसा कोई दूसरा सॉफ्टवेयर। अब वो क्या करता है, जैसे ये कंप्यूटर है ना, इसको मैंने बोला भाई तू है मास्टर, और बाकी सारे कंप्यूटर जो है उसको मैंने बोल दिया कि ये सारे स्लेव हैं। मास्टर स्लेव का कॉन्सेप्ट होता है इसमें। अच्छा, अब जो है ना ये मास्टर क्या करेगा, रिक्वेस्ट जो भी आएगी ना, ये बोलेगा कि सारी रिक्वेस्ट ना ये तीन कंप्यूटर को ऑन करो, ये बोल रहा है मास्टर, बोल रहा है कि ये तीन कंप्यूटर ना स्लेव में से ऑन करो, सारी रिक्वेस्ट इस तीन कंप्यूटर पे लाओ, और इन तीन कंप्यूटर को बोला है कि आप डिसाइड करो कि वो कितना कितनी रिक्वेस्ट है, और अपने साथ वाले तीन कंप्यूटर को ऑन करा के ना खुद भी हैंडल करो, उनको भी हैंडल करवाओ। अच्छा, वो कहते हैं पॉड्स उसको ना, इसमें वैसे तो मास्टर स्लेव है कहने को, लेकिन इसमें बोलते हैं पॉड्स है वो, स्लेव को ना अच्छा नाम दे दिया है पॉड्स। वो कहते हैं कि चार पॉड ऑन कर दो। तो अब ये जो मास्टर है ना, इसके हाथ में वो छड़ी होती है, वैसे इशारे करता है कि चल भाई इसको ऑन कर दे, इसको ऑफ कर दे, ये अभी सिस्टम के प्रोसेसर में कोई लोड नहीं है, इसको बंद कर दो, इसकी ज़रूरत नहीं है उन्हें। तो हज़ारों की तादाद में कंप्यूटर जो है ना उसको ये कंट्रोल कर रहा होता है एक इशारे से, ऐसे ही हो। अच्छा, अब हरिको ना यही इस्तेमाल कर रहा है, और गूगल क्लाउड भी यही इस्तेमाल कर रहा है, सब लोग यही इस्तेमाल कर रहे हैं, यही है अभी लेटेस्ट, यही चल रहा है मार्केट में। अब आपके पास जो है ना सिचुएशन ये है कि हरिको पे 10,000 मुख्तलिफ अलग अलग लोगों ने अपनी ऐप डिप्लॉय की हुई है, और उस पर लाखों की तादाद में रिक्वेस्ट आ रही है, समझ रहे हो। अच्छा, कोई जब नई ऐप डिप्लॉय होती है तो ये मास्टर बोलता है कि इधर के जो तीन कंप्यूटर है ना, इनमें बड़ी बड़ी हार्ड ड्राइवें लगी हुई है ना, जिसमें ये बोलता है भाई उठा के लाके इसमें सेव करा लो, अभी चलाना नहीं, अभी इसमें सेव करा लो लाके। अच्छा, फिर जब रिक्वेस्ट आएगी ना तो ये क्या करता है, ये कहता है अच्छा ये रिक्वेस्ट कौन से वाले ऐप के लिए आई है, उस ऐप को उठाता है रैंडमली, कोई एक कंप्यूटर ऑन करता है, उसमें उस ऐप को रन करता है जल्दी से फौरन, क्योंकि बड़े पावरफुल कंप्यूटर होते हैं सारे, जल्दी से उसमें ऑन करता है, इतने में बोलता है 2-4 सेकंड उसको बोलता है रुक जाओ। छोटी सी ऐप होती है 4-5 KB की होती है, 10 KB की होती है ऐप हमारी, या बहुत बड़ी कोई ऐप होगी तो हमारी 10-12 MB की होगी, उससे ज़्यादा तो नहीं, तो 10-12 MB कॉपी करके रन करने में कितना टाइम लगता है, कोई टाइम नहीं लगता, ठीक है। NPM इंस्टॉल तो केशे से होता है, NPM इंस्टॉल वगैरह, इतनी ऐप चल रही है, NPM इंस्टॉल सबका चल रहा है, वो केशे में सेव है, इंटरनेट से नहीं ना, NPM इंस्टॉल जब आप एक बार कर लेते हैं ना तो नेक्स्ट टाइम वो फौरन होता है ठक करके जल्दी से एकदम, नोट किया ही आपने, तो वो केशे में पहले से पड़ा रहता है, वो ये देख लेता है कि इसकी डिपेंडेंसी कौन कौन सी है, वो केशे में पहले ही उठा लेता है, तो वो जल्दी से उठाता है, फटाफट कॉपी मारता है, रन करता है, फिर बोलता है चलो भाई अब जाओ। तो आपकी जो रिक्वेस्ट है ना वो रैंडमली किसी एक कंप्यूटर में जा रही होती है, इतने सारे जो कंप्यूटर पड़े हुए हैं उसमें से रैंडमली किसी कंप्यूटर में जाती है। अच्छा, फिर रिक्वेस्ट जा रही है जा रही है, रिक्वेस्ट आना बंद हो गई, बोलेगा ठीक है भाई 10 मिनट तक कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है, शट डाउन कर दो इसकी ऐप, वापस हार्ड ड्राइव में आ गई इधर। अच्छा, फिर दोबारा रिक्वेस्ट किया आपने, फिर दोबारा वही प्रोसेस होगा, अब की बार किसी दूसरे कंप्यूटर में गया, अब की बार उसमें तो नहीं जाएगा, रैंडमली किसी और में चला जाएगा, आपको क्या पता, लेकिन आपका वेरिएबल तो ख़त्म हो गया, क्योंकि वो शट डाउन हुआ ना, आपका वेरिएबल ख़त्म हो गया, अब दोबारा रन हुआ है तो वेरिएबल एम्प्टी है, तो स्टेट आपका वैसे ही ख़त्म हो गया है। अच्छा, अब एक और सिचुएशन है, इसमें आपकी ऐप रन हो गई, रिक्वेस्ट आना शुरू हो गई, रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आने लग गई, उसने बोला यार एक सिस्टम की तो औकात से बाहर हो गया ये, अब एक काम करो इसी ऐप को ना उसके पड़ोस वाले सिस्टम में एक और में रन कर दो, दोनों में रन कर दो। और इसने बोला ये जो तीन आ रहे हैं ना जिस पर रिक्वेस्टें आ रही हैं, इनको बोला कि भाई आप लोड बैलेंसिंग करो, ठीक है, जब रिक्वेस्ट आए ना इस ऐप के लिए तो देखो कि कौन से पे लोड कम है उस पे भेजो, दो पे नहीं, यानी एक ही पे पूरा लोड नहीं डालो, अब दोनों को इक्वल लोड डिस्ट्रीब्यूट करो। अब क्या हुआ, आपकी ऐप असल में दो मुख्तलिफ पॉड्स में आपकी ऐप चल रही है, राइट, दो मुख्तलिफ पॉड में आपकी ऐप NPM स्टार्ट हुई भी है, एक पॉड का वेरिएबल अलग है, दूसरे पॉड का वेरिएबल अलग है, रैंडमली जब आप रिक्वेस्ट करेंगे तो दोनों में से किसी में भी चली जाएगी, रैंडमली हर रिक्वेस्ट दोनों में से किसी एक पे जारी होगी। तो आप जब अभी लास्ट हमने एक्सपीरियंस भी किया था किसी स्टूडेंट के पास कि जब हम रिक्वेस्ट करते थे ना टक 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 10-12 एक साथ रिक्वेस्ट करते थे तो सम टाइम ना एक दूसरे सर्वर पे चली जाती थी रिक्वेस्ट, ये करके देखना ये इस वाली ऐप में ये होगा और साइक्लिक में होगा, ये साइक्लिक ने भी पीछे वही लगाया हुआ, जाहिर है सबने लगाया हुआ। तो साइक्लिक क्या करता है, शायद डिफॉल्ट में ही दो ऑन करता है शुरू में ही,
तो आप जब ज्यादा ज्यादा रिक्वेस्ट करेंगे ना, पोस्ट 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 करेंगे आप बहुत सारी, तो वो एकदम ना 3 पोस्ट आ जाएगी सारी हटके, फिर वो 3 चलेगी 4, 4, 5, 6, 7, वो फिर 10, 12 एक साथ आ जाती है। तो वो असल में 2 अलग अलग कंप्यूटर पे आपकी रिक्वेस्ट जा रही है। अच्छा, ये 2 कंप्यूटर पे तो अभी है ना, और ज्यादा रिक्वेस्ट आएगी वो और नए पॉड ऑन करेगा। हो सकता है आपकी ऐप 20-25 मुख्तलिफ पॉड्स पे चल रही हो, जैसी रिक्वेस्ट आना कम होगी वो सारे पॉड दोबारा शट डाउन हो जाएंगे, एक बचेगा फिर आखिर में, या 2 बचेंगे साइक्लिक के केस में 2 बचेंगे। गूगल क्लाउड में तो बाकायदा आपके पास कन्फिग्रेशन होती है, आपको मिनिमम पॉड कितने रन करना है, मैक्सिमम कितने रन करना है, आप शुरू में ही डिसाइड कर लेते हैं, कन्फिग्रेशन फाइल होती है। ठीक है, ये गूगल ऐप इंजन जो है ना वो बिल्कुल साइक्लिक की तरह होता है, गूगल ऐप इंजन। तो वो पेड है क्योंकि हम इसमें यूज़ नहीं कर रहे, क्रेडिट कार्ड मांगता है वो शुरू में, इसलिए हम वो यूज़ नहीं कर रहे। किसी के पास क्रेडिट कार्ड हो तो वो यूज़ करके देख लेना, उसमें वो YAML फाइल एक बनाता है, वो पूरी यही फाइल होती है जो है, लेकिन एक एक्स्ट्रा YAML फाइल बनती है वो, अगर आपको बनानी है तो आप बना लें, उसमें बता दें आपके मिनिमम मैक्सिमम क्या है। तो ये पहले से आप सेट कर लेते हैं कि यार मैं मिनिमम मेरे पास 2 से कम नहीं हो, 2 रहे मिनिमम, या आपने बोला मैक्सिमम 20 से ऊपर ना जाए, क्योंकि आपका बजट भी तो देखना है ना, आपने कहा 20 तक रखना है, उसके ऊपर नहीं जाना देना है। तो ये हमने देखा कि भाई अगर हमने स्टेट बना दिया ना अपने सर्वर के अंदर, तो ये हमारा पूरा का पूरा बेड़ा गर्क कर देगा। आपको समझ ही नहीं आएगा कि यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ। आप इमेजिन करें ना, 10 अलग अलग सर्वर है, 10 अलग अलग वेरिएबल है, कोई गेट करेगा इधर से गेट होगा, कोई इधर करेगा उधर से गेट होगा, तो ये बड़ा मसला होगा। अच्छा, तो इन सब का जो हल है ना वो ये है कि एक डेटाबेस होगा, किसी भी सर्वर पे रिक्वेस्ट जा रही है डेटाबेस एक होगा, और वो डेटाबेस हम MongoDB करेंगे इंशाल्लाह, अभी बहुत जल्दी हम उसको स्टार्ट करेंगे MongoDB का डेटाबेस। अच्छा, तो आई होप कि ये आपको ना स्टेटलेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये 2 लाइन इन्होंने लिखी है, ज़रा ये 2 लाइन भी पढ़ लेते हैं। स्टेटलेसनेस mandates that each request from the client to the server must contain all of information necessary to understand and complete the request. ठीक है, कह रहा request जो आएगी उसी में सारा डेटा होगा, और जो आएगा ना वो response में सब वापस चला जाएगा सर्वर पर। ये नहीं कुछ छोड़ के गया है कि भाई चल मैं दोबारा आऊँगा, सर्वर पर कुछ छोड़ के ना जाए, वो जो लेकर आया था सब लेके जाए वापस, सर्वर पर कोई वेरिएबल नहीं होगा जो उसके लिए अगली रिक्वेस्ट पर इंतजार करेगा उसका। द सर्वर कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ एनी प्रीवियसली स्टोर्ड कॉन्टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ऑन द सर्वर। ये मतलब ग्लोबल वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं कि भाई आप ये नहीं कर सकते जैसे हमने किया है कि टू डूज करके एक एरे बना दिया कि भाई उसमें आएगा, सेव होगा और आगे चलेगा, ये नहीं कर सकते आप। अच्छा, कैशेबल वाला जो काम है ना उसमें ये होता है कि अगर कोई इमेज है ना आपके सर्वर से, कोई इमेज आई है या कोई HTML की फाइल एक बार आ गई है, तो वो अगली बार ना बार बार सर्वर पर ना जाए, उसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी वो कैशे कर ले। तो इसके लिए ना हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, गूगल क्रोम ये कर रहा होता है हमारे बेस पे ना। तो अच्छा, अगर आप गूगल क्रोम पे नहीं है, वेबसाइट पे नहीं है, अगर आप मोबाइल ऐप से कॉल कर रहे हैं, तो फिर वो मोबाइल ऐप पे क्या कर रहे होते हैं आप, डिफरेंट लाइब्रेरीज होते हैं उससे आप करते हैं भाई कैशे कर लो। आप ये नोट कीजिएगा, अगर कोई वेबसाइट आप खोलते हैं ना, इमेज पहली दफ़ा में बड़ी देर में लोड होती है, अगली दफ़ा वो इमेज लोड नहीं होती, फ़ौरन ठक करके आ जाती है। तो इमेजेस को, वीडियोस को गूगल क्रोम कैशे कर लेता है खुद, हमें इसके लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन ये कैशे किस सूरत में करेगा, ये हमारे वाले जो हम कर रहे हैं ना इसमें करेगा। अगर .NET वाला केस होगा ना कि पूरा पेज वहाँ से आ रहा है, तो फिर कहाँ से करेगा, फिर तो ऑप्शन ही नहीं है। तो हम जो फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं ये बिल्ट इन है उसके अंदर, हमें इसके लिए कुछ करना नहीं है। अच्छा, लेयर्ड सिस्टम का मतलब ये होता है, द लेयर्ड सिस्टम स्टाइल अलाउ योर आर्किटेक्चर टू बी कंपोज द हायरार्किकल लेयर बाय कंस्ट्रेनिंग द कंपोज बिहेवियर। फॉर एग्जांपल, लेयर्ड सिस्टम ईच कंपोनेंट कैन नॉट सी बियॉन्ड द इमीडिएट लेयर ऑफ ईच। लेयर्ड सिस्टम का मतलब ये है कि आप, जैसे मैंने अगर सर्वर बनाया है, जैसे वेदर API आपने कॉल किया सब लोगों ने, अब वेदर API इमेजिन कर लो मैंने बनाई है, अगर मेरी है, आपको जो API मैंने दे दी ना आप सिर्फ वही कॉल कर सकते हो। आपको ये नहीं पता कि मैं सर्वर पे पीछे उस API के साथ करता क्या हूँ, कैसे प्रोसेस करता हूँ, कैसे डेटा लाता हूँ, कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ, आपको कुछ नहीं पता, चल ही नहीं सकता, पता ऑप्शन ही नहीं है। तो दिस इज़ कॉल्ड लेयर्ड सिस्टम। ठीक है, लेयर्ड सिस्टम एक ये भी होता है कि यार आप ना, जैसे फ्रंट एंड का बंदा है तो उसको सिर्फ API में बना के दे दो ना, उससे आगे उसको लेना देना नहीं है। अच्छा, या इसी तरीके से अगर मैं डेटाबेस कनेक्ट कर रहा हूँ तो डेटाबेस की एक लेयर हो, वहीं तक बंदा देख सके, उसके आगे ना देख सके। ठीक है, तो हमारा ये लेयर्ड सिस्टम ना क्लाइंट सर्वर में ऑटोमेटिक आ जाता है। अच्छा, लेयर्ड सिस्टम की ना मज़ीद भी डेफिनेशन है थोड़ी, लेकिन वो हमारे काम की नहीं है फिलहाल, तो इसलिए हम उसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते।
अच्छा, ये जो छठा है ना, ये ऑप्शनल है, ठीक है, कोड ऑन डिमांड, ये वैसे होता नहीं है लेकिन पता नहीं इन्होंने लिखा हुआ है। REST also allow client functionality to be extend by downloading and executing the code in the form of applet and scripts. Okay, कह रहे हैं कि REST API से ना हम ये भी कर सकते हैं कि कुछ कोड मंगवा लें जो इधर आके एग्जीक्यूट हो। CDN आप इसको ले लें, जैसे CDN होता है ना एग्जीओस का, कि एक URL बस आप ले आते हैं तो CDN पूरा JavaScript उठ के आती है इधर आके एग्जीक्यूट, तो उस तरह की कोई चीज़ नहीं है। वेल, ये भी ऑप्शनल भी है और ये हमारे इतना मतलब कोई हमारा लेना देना नहीं है इससे। अच्छा, तो ये हमने ना पांच प्रिंसिपल्स जो थे, जो मेन थे, वो हमने REST API के कवर कर लिए। तो और उससे हमें पता ये चला कि ये वेरिएबल जो है ना, दिस इज नॉट ओके, दिस वेरिएबल इज नॉट ओके। तो हम क्या करते हैं, अब जल्दी से हम इसकी ना एक कॉपी बना लेते हैं इस फोल्डर की ना, और ये टू डू ऐप विद सर्वर है ना, तो हम उसको कर देते हैं कि टू डू ऐप विद सर्वर एंड डेटाबेस, ये कर देते हैं, सही है। और हम उसके अंदर फिर क्या करते हैं, डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं।